नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्य के चिन्हित 8902 दुर्घटना स्थल पर लगेंगे साइनेज। बिहार में ईंट भट्टे लगाने पर जारी नई निर्देश। बिहार झारखंड के बीच बनेगा विकास का पुल। दुर्गावती जलाशय में राज्य का पहला रिवर्स सफारी शुरू। टी20 वर्ल्ड कप पर इंग्लैंड का कब्जा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पंजाब और सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जारी किया भर्ती अधिसूचना। पंजाब और सिंध बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के विभिन्न डिसिप्लिन में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। रिक्त पदों की कुल संख्या 50 है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को पद से संबंधित डिसिप्लिन में बीई, बीटेक, एमसीए, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पीजी, एमबीए, पीजी, डीबीएम, सीए, सीएमए, सीएफए पास होने के साथ ही 3 से 5 साल तक का वर्किंग एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की अंतिम तारीख 20 नवंबर 2022 तक निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://punjabbandsindhbank.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। राज्य के चिन्हित 8902 दुर्घटना स्थल पर लगेंगे साइनेज। बिहार में बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य में 7900 से अधिक ऐसे स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां सड़क दुर्घटनाएं सबसे अधिक हो रही है। ये वैसे स्थल है जहां तीखे मोड़, दो सड़कों का मिलान बिंदु या अंधेरा हुआ करता है। ओवर स्पीडिंग के कारण ऐसे स्थलों पर अक्सर दुर्घटनाएं हो रही है। अब ऐसे स्थलों पर गति सीमा संकेतक चिन्ह लगाए जाएंगे ताकि भविष्य में होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही जरूरत के अनुसार सड़क संरचना में सुधार, फुट ओवर ब्रिज का निर्माण और प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। इंटर और मैट्रिक परीक्षा की जानकारी के लिए बनेगी 3 अलग-अलग टीमें। इंटर और मैट्रिक परीक्षा प्रक्रिया और परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की दिक्कत ना हो, बोर्ड का हर काम सुविधा से हो सके, इसके लिए बिहार बोर्ड ने हर परीक्षा केंद्र पर केंद्राधीक्षक के अलावा 3 शिक्षकों की टीम बनाने का निर्देश सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को दे दिया है। शिक्षकों की टीम के अलावा हर डीओ कार्यालय के 2 कर्मी और 1 DPO माध्यमिक की टीम बनाई जाएगी। ये दोनों टीमें इंटर और मैट्रिक परीक्षा केंद्र पर तैयारी के दौरान बोर्ड के संपर्क में रहेंगे। बिहार बोर्ड ने इन सभी का मोबाइल नंबर के साथ पूरी जानकारी डीईओ कार्यालय से मांगी है। कशिश जलप्रपात इस वजह से है बेहद खास। कशिश जलप्रपात राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर बिहार के रोहतास जिले के अमझौर पंचायत में स्थित है। यहाँ की प्राकृतिक खूबसूरती अविश्वसनीय है। तरह तरह के पेड़ पौधे, वनस्पति, पक्षियों की चिलचिलाहट, पहाड़ से गिरते पानी की ध्वनि इस जगह का मनोरम और मंत्रमुग्ध बनाते हैं। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 800 फीट है और इस स्थान की विशेषता है कि कोई भी 3 दिशाओं में पहाड़ से गिरने वाले 4 धाराओं को देखा जा सकता है। अरस्तु ने कहा कि यह सही है जब उन्होंने कहा, प्रकृति की सभी चीजों में कुछ अद्भुत है। इस स्थल की सुंदरता कल्पना से परे है और प्रतीत होता है कि प्रकृति परियों की कहानी को बयां करती है। 2023 के मध्य तक नियुक्त होंगे 45,000 अधिकारी कर्मचारी। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से नियुक्ति प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की कवायद तेजी से की जा रही है। इसके तहत जून 2023 तक राज्य में 45,000 अभ्यर्थी को अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के पदों पर सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। इनमें 41,000 से अधिक पदों पर जनवरी 2023 तक ही फाइनल परिणाम जारी कर सरकार को अनुशंसा भेज दी जाएगी। रिक्तियों की बात करें तो सबसे अधिक प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक के 40,506 पदों के लिए 18 दिसंबर को परीक्षा आयोजित होगी। वहीं बीपीएससी 67वीं संयुक्त परीक्षा में 802 पद, ऑडिटर के 373 पद, सहायक ऑडिट अधिकारी के 138 पद सहित कुल लगभग 45,000 अभ्यर्थियों को अधिकारी से कर्मचारी तक की नौकरी मिलेगी। बिहार में ईंट भट्टे लगाने पर जारी नई निर्देश। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अनुशंसा पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने निर्देश जारी किया है, जिसके तहत स्कूल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय में कम से कम 25 पेड़ और बगीचे होंगे और 200 की आबादी वाले टोलों से ईंट भट्टे की दूरी कम से कम 800 मीटर रहेगी। वही 2 ईंट भट्टे के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होगी। साथ ही नए ईंट भट्टे लगाने के लिए नए मानक निर्धारित किए गए हैं। नए मानक के अनुसार नदियों, वेटलैंड, डैम आदि से ईंट भट्टों की दूरी कम से कम 500 मीटर होगी। सीएम नीतीश ने राजकमल प्रकाशन के नवनिर्मित भवन का किया उद्घाटन।
बीते दिन रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजकमल प्रकाशन के स्थापना दिवस के अवसर पर दीप प्रज्वलित कर अशोक राजपथ स्थित राजकमल प्रकाशन के नवनिर्मित भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के उपाध्यक्ष उदय कांत मिश्रा, बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष व्यास जी, राजकमल प्रकाशन समूह के अध्यक्ष अशोक महेश्वरी, जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह, वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो, संपादक लेखक एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे रोहिणी भाटे की। रोहिणी भाटे भारत की सबसे वरिष्ठ कथक नृत्य प्रतिपादिका थी और भारतीय शास्त्रीय नृत्य कलाकार, शिक्षक, लेखक, शोधकर्ता के रूप में विकसित हुई। अपने करियर के दौरान उन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जैसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में अपने ज्ञान के कारण उन्होंने अक्सर अपने नृत्य रचनाओं के लिए संगीत तैयार किया। समीक्षक सुनील कोठारी के अनुसार विजय मेहता द्वारा निर्देशित शकुंतला के लिए उनकी कोरियोग्राफी उल्लेखनीय है। उनका जन्म आज ही के दिन बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। वहीं उनका निधन 83 वर्ष की उम्र में साल 2008 में पुणे में हुआ था। बिहार में निजी अस्पतालों का भी होगा पंजीयन। राज्य में बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन को देखते हुए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत सभी सरकारी अस्पताल को पंजीकृत किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब नए नियम के अनुसार प्रदेश के सभी प्राइवेट अस्पताल भी इस योजना के तहत पंजीकृत किए जाएंगे। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहल से न केवल अस्पतालों की प्रक्रिया सरल होगी बल्कि इससे लाभुकों को भी फायदा होगा। ड्रोन उड़ाने को लेकर तय होंगे 3 जोन। राज्य में ड्रोन उड़ाने वालों के लिए बिहार सरकार की ओर से बड़ा निर्णय लिया गया है, जिसके तहत राज्य में ड्रोन उड़ाने के लिए 1 जोन तैयार करवाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय की ओर से इसके लिए एसएसपी और एसपी तैयारी शुरू कर दी गई है। बताते चले कि इन जोन को रंगों के नाम पर 3 श्रेणी रेड, येलो और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा, जिसके अनुसार एयरपोर्ट, देश की सीमा और संवेदनशील इलाकों को रेड जोन में रखा जाएगा। बिहार झारखंड के बीच बनेगा विकास का पुल। भारत सरकार के पथ परिवहन विभाग के द्वारा बिहार के रोहतास तथा झारखंड के पलामू में 2 लेन में पंडू का पुल निर्माण कराया जा रहा है, जिसके बाद बिहार और झारखंड की दूरी काफी कम हो जाएगी। बता दें कि इस पुल का शिलान्यास सोमवार को केंद्रीय पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। इस पुल की कुल लंबाई 2 किलोमीटर से अधिक होगी, जिसे बनाने में कुल लागत 196.12 करोड़ रुपए है। जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावे कई नेताओं के आने की भी सूचना है। बिहार में ईएमआई पर मिलेगी किताबें। बीते दिन रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान यह जानकारी दी गई कि अब मोबाइल और गाड़ी की तरह किताबें भी ईएमआई पर खरीदे जा सकेंगे, जिसके बाद पाठक हर माह थोड़े थोड़े पैसे देकर पुस्तक खरीद सकते हैं। बता दें कि प्रकाशन समूह के अशोक महेश्वरी ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बातों पर ध्यान रखते यहां पाठकों के लिए मुफ्त में पढ़ने की व्यवस्था जल्द होगी। बिहार से चार धाम के लिए रेलवे चलाएगा सर्किट स्पेशल ट्रेन। रेलवे के द्वारा बिहार से चार धाम के लिए सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जिनमें हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या, वाराणसी, काशी, पुरी और रामेश्वरम शामिल है। इस ट्रेन में तीर्थयात्रियों को समर्थन और सुविधा देने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन की ओर से मदद की जाएगी। फिलहाल इस ट्रेन को चलाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई है और अगर सब सही रहा तो दिसंबर में ट्रेनों की बुकिंग शुरू कर दी जाएगी। अगर ट्रेनों का परिचालन किया जाता है तो गया रेलवे स्टेशन स्थित IRCTC कार्यालय में भी टिकट की बुकिंग की जाएगी। IIT में गुवाहाटी जोन से सबसे अधिक बिहार के छात्रों का हुआ दाखिला। JEE एडवांस 2022 के ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे ने 1066 पेजों की परीक्षा की परिणाम के संबंध में डिटेल रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष IIT गुवाहाटी जोन से 1050 स्टूडेंट्स IIT में चयनित हुए हैं। गुवाहाटी जोन में सबसे अधिक एडमिशन बिहार के स्टूडेंट्स का हुआ है। IIT बॉम्बे द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष कुल 262,175 स्टूडेंट्स JEE एडवांस परीक्षा के लिए क्वालिफाई हुए थे। इनमें से 155,538 स्टूडेंट्स ने JEE एडवांस परीक्षा दी। इनमें से 40,712 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग के लिए योग्य घोषित किया गया है। बिहार में पछुआ हवा ने सुबह शाम बढ़ाई ठंड। बिहार में पछुआ के प्रवाह के साथ ही ठंड की आहट मिलने लगी है। दिन में आकाश साफ होने के कारण अच्छी धूप निकल रही है, इससे वातावरण गर्म हो रह रहा है, लेकिन सूर्यास्त के बाद तापमान में गिरावट दर्ज किया जा रहा है। सुबह में भी वातावरण में ठंड रहती है, ऐसे में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। वहीं प्रदेश के तराई वाले इलाके में कोहरा छाए रहने के आसार है। वर्तमान में प्रदेश में पछुआ 8 से 10 किलोमीटर की गति से बह रही है। पछुआ अपने साथ काफी मात्रा में नमी ला रही है, जिससे लोगों को ठंड का एहसास हो रहा है।
दुर्गावती जलाशय में राज्य का पहला रिवर सफारी शुरू। बिहार के सासाराम जिले में रोहतास कैमूर की सीमा में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना में राज्य का पहला रिवर सफारी शुरू की जा रही है। बता दें कि इस जलाशय का हिस्सा रोहतास और कैमूर दोनों में आता है। हालांकि अभी से रिवर सफारी परियोजना कैमूर के नाम पर ही स्वीकृत किया गया है। वहीं बोटिंग के लिए फिलहाल 3 बोट को चालू किया गया है। बता दें कि सैलानियों की सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा की जिम्मेदारी रेंज ऑफिसर को दी गई है। बिहार में बंपर सरकारी बहाली जल्द। आने वाले समय में बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से जून 2023 तक राज्य में 45,000 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, जिनमें 40,506 सीटों पर प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक, 802 पद पर बीपीएससी, 67वीं संयुक्त परीक्षा 38 पद पर जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, 373 पद पर ऑडिटर, 138 पद पर सहायक ऑडिट अधिकारी समेत कई पदों को शामिल किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने धान अधिप्राप्ति को लेकर की समीक्षा बैठक। बीते दिन रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान अधिप्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए पूरी तरह तत्पर है। बता दें कि इस साल कम वर्षा होने की वजह से 11 जिलों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई। वहीं इस बार धान का MSP 2040 रुपए प्रति क्विंटल रखा गया है। बताते चले कि समीक्षात्मक बैठक में मुख्यमंत्री के साथ खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह, सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव व अन्य मौजूद रहे। लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर तेजस्वी यादव ने दिया कंफर्मेशन। बीते दिन लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना लौटे, जहां उन्होंने लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट की कंफर्मेशन देते हुए बताया कि यूं तो लालू यादव को परिवार के कई लोग किडनी दान करना चाहते थे, मगर सबसे अडेप्टिव किडनी उनकी सबसे छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की पाई गई। गौरतलब है कि लालू यादव का किडनी केवल 75% ही काम कर रहा है। इसका इलाज पहले दिल्ली एम्स में चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन करने से मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने सिंगापुर में इलाज कराने का फैसला लिया। वहीं रोहिणी का भी टेस्ट किया गया। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पे कसा तंज। जमुई में बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश सरकार पूरी तरह फेल है, प्रदेश में शराब और बालू माफियाओं का राज है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अब बीजेपी में नीतीश कुमार के लिए दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया है, कि बीजेपी अकेले 2024-25 में चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। बिहार में भी चलेगा राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जयराम रमेश ने संयुक्त रूप से राजधानी पटना के सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने बताया कि यात्रा कांग्रेस को मजबूत करने की यात्रा है और अब तक भारत जोड़ो यात्रा 5 राज्य से गुजर चुकी है। अब आने वाले दिनों में यह यात्रा बिहार में भी निकाली जाएगी। बता दें कि बिहार के बांका से बोधगया के लिए मुख्य यात्रा 28 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। इस यात्रा में 17 जिलों से गुजरते हुए कुल 1200 किलोमीटर की दूरी को तय किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप पर इंग्लैंड का कब्जा। इंग्लैंड ने मेलबर्न में खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया है। गौरतलब है कि इस फाइनल मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। जवाब में इंग्लैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया। इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा 52 रन नाबाद बेन स्टॉक्स ने बनाए। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1681 में बंगाल के अलग रियासत बनाने की घोषणा की। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म 1879 में हुआ। भारत प्रसिद्ध हिंदी कवि बलवीर सिंह रंग का जन्म 1919 में हुआ। स्वतंत्र पार्टी के प्रमुख नेता और भारत में उदारवादी एवं मुक्त आर्थिक नीतियों के समर्थक पीलू मोदी का जन्म 1926 में हुआ। भारत की क्रिकेट टीम के प्रथम टेस्ट कप्तान सीके नायडू का निधन 1967 में। प्रसिद्ध गौड़ीय वैष्णव गुरु तथा धर्म प्रचारक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुवाद का निधन 1987 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री लक्ष्मीचंद जैन का निधन 2010 में हुआ। प्रसिद्ध बाल साहित्यकार एवं संपादक हरिकृष्ण देव सरे का निधन 2013 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे ट्रेन के निजीकरण के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के 151 ट्रेन के निजीकरण के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक ट्वीट में फर्जी दावा किया जा रहा है कि भारतीय रेलवे की 151 ट्रेनों, रेलवे संपत्ति, स्टेशनों और अस्पतालों का निजीकरण कर दिया गया है। PIB ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि ये दावे पूर्णतः फर्जी एवं तथ्यहीन है। इंडियन रेलवे ने अपनी किसी पति का निजीकरण नहीं कर रहा। इस कैटेगरी के अकाउंट को हटाएगा ट्विटर।
ट्विटर ने नए सीईओ एलन मस्क ने अपने 115 मिलियन से अधिक फॉलोवर्स को पोस्ट किया। उन्होंने कहा, अधिक सटीक होने के लिए पैरोडी प्रतिरूपण करने वाले खाते मूल रूप से लोगों को बरगलाना ठीक नहीं है। दरअसल एलन मस्क ने ट्वीट कर कहा है कि ट्विटर जल्द ही उन खातों को पूरी तरह से हटा देगा जो महीनों से सक्रिय नहीं है। उन्होंने पुष्टि की है कि $8 के लिए नई ट्विटर ब्लू सदस्यता सेवा भारत में एक महीने से भी कम समय में उपलब्ध होगी। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है रविंद्र पासवान, मृत्युंजय कुमार, रंजीत सिंह, योगेंद्र यादव, नन्नू गोलू कुमार, कुश कुमार यादव, शंकर मुखिया, मोनू कुमार, रंजीत कुमार, मंगेता भारती, पंकज कुमार दास, नीरज ठाकुर, कुलदीप कुमार, मनोज कुमार, कविता कुमारी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपके यहाँ ठंड का आगमन हो चुका है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपने क्षेत्र का नाम लिख हमें जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। धन्यवाद।